साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि हर दौर में यजीद होते हैं जो लोगों पर खौफ तारी करके उन्हें गुलाम बनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यजीद की फौज देखकर खौफ से कूफा के लोग न्यूट्रल हो गए थे, जिसका उन्हें हमेशा पछतावा रहा। हक पर खड़े बाज सहाफियों की तरह ये आपको भी डराएंगे, मगर अवाम ने खौफ के इस सबसे बड़े बुत को तोड़ना है। मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर गुलामों को हमारे सर पर मुसल्लत किया, बंद कमरे में मुझे मारने की साजिश की गई। एहसन इकबाल, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम चोर नहीं डाकू हो, जरदारी भी दूसरा बड़ा डाकू है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को धांधली के लिए मुल्तान भेज दिया। मिस्टर एक्स और वाई को चैलेंज है, दोनों को फेंटा लगेगा, इलेक्शन हम जीतेंगे। अमेरिका के बूट पॉलिश करने से बेहतर है पाकिस्तान ना बनता। शहबाज शरीफ, तुम्हारा भाई और ये जरदारी भिखारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम और हमजा के कदमों में बैठ कर मंसूबे बना रहा है कि कैसे इंतखाबात जीतना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सच बताए कि कितनी दफा मरियम और हमजा के पास गए और किस तरह धांधली करने की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।